हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल माय ब्यूटीफुल लाइफ। इस दृश्य से कैसे हो आप सब? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने जा रही हूँ अपना ब्लाउज कलेक्शन। तो ये रिक्वेस्टेड वीडियो है। तो जब मैं सारे कलेक्शन वीडियो शेयर की थी आप लोग के साथ, तो आप लोगों ने कॉमेंट किया था कि आप अपनी ब्लाउज कलेक्शन भी शेयर कीजिए। तो मेरे पास ज्यादा ब्लाउज नहीं है, बहुत सिंपल सा ब्लाउज है और मैं खुद से ही स्टिचिंग की हूँ। तो मतलब ज्यादा ब्लाउज है ही नहीं। और सारे ये ब्लाउज जितने भी मैं आप लोग को दिखाने जा रही हूँ सारे ब्लाउज मेरे मैरिज के टाइम का है। तो एक दो ही ब्लाउज ऐसे हैं जो कि मैं अभी हाल फिलहाल में सिली होंगी, बाकी सारे मैरिज के टाइम का ही है। तो मैं आप लोग को दिखाती हूँ, ज्यादा तो है नहीं। मैं हैवी ब्लाउज पहनती नहीं हूँ और वैसे भी मैं साड़ी ज्यादा पहनती नहीं हूँ, इसलिए मैं ब्लाउज सिलती भी नहीं हूँ। सारे मेरे साड़ी उसी तरह पड़े हुए हैं और उसके ब्लाउज भी उसी तरह पड़े हुए हैं। तो चलिए मैं दिखाना स्टार्ट करती हूँ। तो गाइस सबसे फर्स्ट ब्लाउज मैं आप लोग को दिखाने जा रही हूँ। बहुत सिंपल सा ब्लाउज है लेकिन बहुत ही अच्छा लगता है। तो ये आप देख सकते हैं, ये वर्क वाला ब्लाउज है और ये प्रिंस कट ब्लाउज है। ये फ्रंट साइड से मैं आपको दिखा रही हूँ और इसका नेक आप देख सकते हो राउंड शेप में है और इसका स्लीव्स आप देख सकते हो। स्लीव बहुत छोटा से मैं डाली हुई हूँ लेकिन बहुत ही अच्छा लगता है। और इसके स्लीव में भी मैं पाइपिंग लगाई हुई हूँ और इसके नेक में भी मैं पाइपिंग लगाई हुई हूँ। और जो ये प्रिंस कट है ना, तो यहाँ पे भी जो कट लगा हुआ है इसमें भी पाइपिंग लगाई हुई। और ये पैडेड ब्लाउज है, मैं पैडेड डाल के सिली हुई हूँ। तो आप देख सकते हो, और ये खुद से स्टिचिंग किया हुआ ब्लाउज है, मैं खुद से सिली हुई हूँ। तो जब मैं इस ब्लाउज को स्टिचिंग की थी तो उस टाइम में मुझे बहुत प्रॉब्लम हुआ था, क्योंकि जो इसके वर्क दिए हुए हैं ना, ये स्लीव के लिए दिए हुए थे। लेकिन मैं इसे थोड़ा सा दिमाग लगाकर और मैं इसे बैक साइड एंड फ्रंट साइड दोनों में मैं इस वर्क को मैं डाली हूँ, तो थोड़ा सा कपड़े कम भी पड़ गए थे। तो आप देख सकते हो, इधर से मैं ज्वाइंट की हुई हूँ। तो यहाँ से जो ये कपड़ा ज्वाइंट किया हुआ है ना, ये अलग से कपड़ा ज्वाइंट किया हुआ है। फ्रंट एंड बैक दोनों में मैं ज्वाइंट की हुई हूँ। और इसके जो ये वर्क दिए हुए है ना, ये जरी के जो तार होते हैं ना, उससे वर्क किया गया है। और ये वर्क बिल्कुल भी नहीं निकलता है। 4 साल हो गए ये ब्लाउज को सिले हुए, 4 साल से ज्यादा हो गया। और अभी तक मैं मतलब फिर भी मैं इसे बहुत बार पहनी हुई हूँ, लेकिन इसके जो ये वर्क है बिल्कुल भी नहीं निकलते हैं। और इसमें छोटे छोटे स्टोन भी लगाए हुए हैं। तो ये ब्लाउज मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। बहुत सिंपल सा है लेकिन पहनने में बहुत ही अच्छा लगता है। देख सकते हो फ्रंट साइड से और इसका बैक साइड ये है। और नेक्स्ट मैं आप लोग को दिखा रही हूँ, तो नेक्स्ट ये ब्लाउज है। तो ये भी ब्लाउज मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। ये भी मेरे मैरिज के टाइम का ही ब्लाउज है। जब मेरी मैरिज का डेट फिक्स हो गई थी उसके बाद मैं ये फर्स्ट ब्लाउज सिली थी मैं अपने लिए। तो ब्लैक कलर का सिली थी और ब्लैक कलर का इसलिए मैं सिली थी क्योंकि ब्लैक कलर का ब्लाउज अगर आपके पास रहता है ना, तो आप किसी भी कलर के साड़ी पे मैच करके आप पहन सकते हो। तो ये भी बहुत ही अच्छा है। और ये देख सकते हो, इसमें ना छोटे छोटे सितारा लगे हुए हैं। और ये कपड़ा ही ऐसा था तो मैं खरीदी थी, खासकर मैं ब्लाउज बनाने के लिए खरीदी थी। और ये भी ब्लाउज मैं खुद से स्टिचिंग की हुई हूँ। और ये इसका डिजाइन आप देख सकते हो किस तरह है। और ये ब्लाउज जब मैं सिली थी ना, मुझे बहुत मेहनत लगा था। सच में गाइज, बहुत मेहनत लगा था क्योंकि इसका ना हर पार्ट ज्वाइंट किया हुआ है, एक एक पार्ट ज्वाइंट किया हुआ है इसका। तो इसका स्लीव्स भी है, तो देख सकते हो स्लीव जो लगा हुआ है बहुत छोटा सा है लेकिन पता नहीं चलता है कि इसमें स्लीव लगे हुए हैं। और ये आप देख सकते हो, ये जो पट्टी है अलग से ज्वाइंट किया हुआ है। सारे में मैं पाइपिंग लगाई हूँ। तो इस ब्लाउज की फिनिशिंग आप देख सकते हो, बहुत अच्छे से मैं की हूँ। और ये भी प्रिंस कट ब्लाउज है और ये भी पैडेड ब्लाउज है। तो इसमें भी पैडेड लगा हुआ है क्योंकि इसका नेक जो है ना बैक साइड का, वो बहुत ज्यादा डीप है। तो जब भी आप हाई नेक यानी कि ज्यादा डीप गले वाला अगर आप ब्लाउज पहनते हो ना, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, ब्रा पहनने में प्रॉब्लम होता है। तो इसलिए इसमें पैडेड में लगाकर ही सिली हुई हूँ ताकि अच्छा रहता है। तो आप देख सकते हो, सॉरी मैं हमेशा उल्टा करके ही दिखाती हूँ। तो आप फ्रंट से आप देख सकते हो और बैक से देख सकते हो। तो इसके सारे पार्ट ज्वाइंट किए हुए हैं अलग अलग से, मतलब इसे बनाकर इसमें ज्वाइंट किया हुआ है। तो आप देख सकते हो, मैं इसे उल्टा करके भी दिखा रही हूँ, तो देख सकते हो यहाँ पे भी ज्वाइंट किया हुआ है। तो गाइज, ये ब्लाउज भी मुझे बिल्कुल भी नहीं आता है। तो शादी के टाइम का ये ब्लाउज है ना, तो इसलिए नहीं आता है, थोड़ा टाइट होता है। तो मैं चाहो तो इसे बना भी सकती हूँ लेकिन नहीं बनाऊंगी क्योंकि इसमें ऑलरेडी मैं कपड़ा बहुत ज्यादा छोड़ी हुई हूँ, 2-2 इंच कपड़े में छोड़ी थी। तो चाहो तो मैं बना भी सकती हूँ लेकिन मैं नहीं बनाऊंगी। मैं सोचती हूँ कि मैं अपने सिस्टर को दे दूंगी, वो पहनेगी।
वैसे ही 4 साल पुराना, 4 साल से ज्यादा हो गया, 5 साल होने वाला है मेरे मैरिज का, तो 5 साल पुराना ये ब्लाउज है सिला हुआ, तो आप देख सकते हो अभी भी ये ब्लाउज न्यू फैशन में तो चल ही जाएगा क्योंकि इतने भी पुराना नहीं हुआ है। और नेक्स्ट मैं आप लोग को दिखा रही हूँ, तो नेक्स्ट ये ब्लाउज है जो कि मैं एक ब्लॉग में मैं पहनी हुई थी इस साड़ी को, और ये ब्लाउज भी मैं पहनी हुई थी, तो ये भी बहुत सिंपल सा है, चाहे तो आप देख सकते हो, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी कि ये पहनने के बाद कैसा दिखता है। बहुत सिंपल सा ब्लाउज है लेकिन बहुत ही अच्छा दिखता है, रुको देशानी। तो इसमें भी आप देख सकते हो ये भी जो ये पार्ट है ना, मैं अलग से ज्वाइंट की हुई हूँ, और इसका भी स्लीव आप देख सकते हो बहुत छोटा सा मैं लगाई हूँ। पहले मुझे ना बिल्कुल भी स्लीव वाले ब्लाउज बिल्कुल अच्छे नहीं लगते थे, इसलिए मैं वो छोटे छोटे से ब्लाउज में मतलब वो छोटे छोटे से स्लीव लगाई हुई हूँ। और इसका बैक साइड से आप देख सकते हो, इसका भी नेक बहुत ज्यादा हाई नेक है, मतलब बहुत ज्यादा डीप है, और इसका पीछे आप देख सकते हो ये जो बॉर्डर मैं लगाई हुई हूँ, ये स्लीव के लिए दिया हुआ था ये बॉर्डर, तो मैं इसे पीछे ऐसे लगा दी हूँ, तो इसका डिजाइन बहुत ही अच्छा लगता है। और इसके इसमें मैं पाइपिंग भी लगाई हुई हूँ, स्लीव में भी लगाई हुई हूँ, और नेक में भी लगाई हुई हूँ, तो ये रेडीमेड पाइपिंग है, तो मुझे उस वक्त अच्छा लगा था तो मैं लगाई हुई थी। और ये भी पैडेड ब्लाउज है लेकिन ये प्रिंस कट ब्लाउज नहीं है, तो ये भी सिंपल सा ब्लाउज है लेकिन बहुत ही अच्छा लगता है। अगर आप देखना चाहते हो कि ये ब्लाउज पहनने के बाद कैसा लगता है तो वो ब्लॉग जरूर देखना, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी इसका लिंक, उस ब्लॉग का लिंक मैं डाल दूंगी। और नेक्स्ट मैं आप लोग को दिखा रही हूँ, ये भी बहुत सिंपल सा ब्लाउज है लेकिन बहुत ही अच्छा लगता है। मेरे पास जितने भी ब्लाउज है सारे सिंपल है, बिल्कुल भी मतलब हेवी ब्लाउज नहीं है, लेकिन सब बहुत अच्छा लगता है पहनने के बाद, तो हर चीज अच्छा लगता है ना, तो ये भी आप देख सकते हो। और ये प्रिंसेस कट ब्लाउज बिल्कुल भी नहीं है, ये सिंपल सा ब्लाउज है और इसमें भी पैडर लगा हुआ है, तो ये वॉल्वेट इसका फैब्रिक अगर मैं बताऊं तो ये वॉल्वेट का है, लेकिन बहुत अच्छा लगता है। ये भी ब्लैक कलर का है, किसी भी कलर के साड़ी पे आप मैच करके पहन सकते हो। तो इसका भी स्लीव आप देख सकते हो कितना छोटा सा मैं डाली हुई हूँ, पहले मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था स्लीव वाले कपड़े पहनना। और इसका फ्रंट साइड का आप देख सकते हो नेक राउंड शेप में है, और इसका बैक साइड का आप नेक देख सकते हो ये भी राउंड शेप में, तो ये पहनने के बाद बहुत ही अच्छा लगता है। और इसके अंदर भी पैडेड लगा हुआ है, तो ये भी पैडेड ब्लाउज है। तो जितने भी ब्लाउज है मेरे पास ज्यादातर पैडेड ब्लाउज ही है, क्योंकि थोड़ा सा मुझे डीप गला पहनना ज्यादा पसंद था पहले, तो इसलिए मैं सारे ब्लाउज में पैडेड लगाकर ही सिली हुई हूँ। और ये एकदम सिंपल सा ब्लाउज है, मैं आपको दिखा रही हूँ, तो ये ब्लाउज आप देख रहे हो तो ये बहुत ही सिंपल है, और इसको आप यहाँ पे तो कटोरी ब्लाउज बोलते हैं इसको, तो आप देख रहे हो ये कटोरी ब्लाउज बोलते हैं यहाँ पे, तो ये भी सिंपल सा है, तो ये भी मैं खुद से स्टिचिंग की हुई हूँ। और इसका नेक आप बैक साइड का नेक देख सकते हो सारे राउंड शेप में ही है, और इसके फ्रंट का भी नेक आप देख सकते हो राउंड शेप में ही है, तो ये भी बहुत ही अच्छा है, और ये इसका साड़ी भी बहुत ही अच्छा है, और ये ब्लाउज भी मुझे पहनने में बहुत अच्छा लगता है, बहुत कंफर्टेबल फील होता है, बहुत पतला सा है लेकिन पहनने में बहुत ही अच्छा लगता है। और नेक्स्ट मैं आप लोग को बता रही हूँ, तो ये भी बहुत सिंपल सा है लेकिन एक बार भी मैं नहीं पहनी हूँ, सिर्फ सिली हुई हूँ, उसके बाद ये रखा हुआ है, ना साड़ी में पहनी हुई हूँ ना ये ब्लाउज पहनी हुई, तो इसका बैक साइड का है। सारे मेरे ब्लाउज में आपको राउंड शेप वाला ही नेक दिखेगा, और ये जो मैं लगाई हुई हूँ ये ब्रा के लिए, ब्रा के जो मतलब फीता रहता है ना उसके लिए है, क्योंकि इसमें स्लीव नहीं लगे हुए हैं तो ब्रा इधर से उधर खसके नहीं, जिसके वजह से इसमें मैं डाली हुई हूँ, लगाई हुई हूँ। और इसका बैक साइड का है ये, और ये फ्रंट साइड का है, तो फ्रंट साइड का जो नेक है वो भी राउंड शेप में ही है, और ये भी प्रिंस कट ब्लाउज है लेकिन इसके अंदर मैं पैडेड नहीं लगाई हुई हूँ, आप देख सकते हो यहाँ पे कट लगा हुआ है,
और इसका जो यहाँ पे बैक साइड में जो मैं नीचे लगाई हुई हूँ ये बॉर्डर, तो ये स्लीव के लिए बॉर्डर था तो मैं बैक साइड में पीछे लगा दे ताकि बहुत अच्छा लगता है पहनने के बाद, बहुत अच्छा लगता है। ये सिंपल सा ब्लाउज है तो अभी तक मैं पहनी नहीं हूँ, न ये साड़ी भी पहनी हुई, न इसका साड़ी पहनी हूँ न ये ब्लाउज पहनी हूँ। तो गाइज नेक्स्ट ब्लाउज मैं आप लोग को दिखा रही हूँ, तो ये भी बहुत सिंपल सा है, तो आप देख सकते हो ये, और ये गोल्डन कलर में है और ये इसका फैब्रिक थोड़ा सा अलग है। और जब मैं ये ली थी ना ब्लाउज बहुत ही अच्छा लगा था, तो ये भी मेरा खुद से स्टिचिंग किया हुआ ब्लाउज है और ये भी पैडेड ब्लाउज है, लेकिन ये सिंपल सा ब्लाउज है, ये प्रिंस कट ब्लाउज नहीं है। और इसमें मैं पैडेड इसलिए लगाई थी क्योंकि इसका नेक जो है ना पीछे का बहुत ज्यादा हाई नेक है, इसका गला बहुत ज्यादा है, तो इसमें मैं अगर ब्रा पहनूंगी तो पूरा देखेगा, जिसके वजह से मैं इसमें पैडेड लगाकर इसे सिली थी। और ये इसका फ्रंट साइड का नेक देख सकते हो, ये भी राउंड शेप में है, और बैक साइड का आप देख सकते हो, बैक साइड का डिजाइन कुछ इस तरह से है। पहनने के बाद बहुत ही अच्छा लगता है। और इसका स्लीव बहुत छोटा सा मैं डाली हुई हूँ, तो जैसे कि आपको पता ही है मुझे स्लीव पहले ज्यादा बड़ा पहनना बिल्कुल पसंद नहीं था, और इसमें भी पैडेड लगा हुआ है। और इसका फैब्रिक ना थोड़ा सा अलग है, इसमें कुछ भी अगर लगता है ना तो ये निकल जाता है, आप देख सकते हो बहुत सारे ये थोड़े से खराब भी हो गए, आप देख सकते हो ये कैसा निकल गया है, धोने के टाइम में भी ये खराब हो जाता है, और उसके बाद कोई भी कपड़े में भी लगता है ना तो ये निकल जाता है, ये तो ये थोड़ा सा अलग है। और इसमें सब में मैं सिंपल सा डोरी लगा के रखी हूँ, तो ये भी ब्लाउज बहुत ही अच्छा लगता है। और ये गोल्डन कलर के मैं इसलिए सिली थी क्योंकि गोल्डन और ब्लैक और मतलब ऐसे कलर होते हैं जैसे कि आप किसी भी कलर के साड़ी पे आप मैच करके पहन सकते हो, तो ये भी मैं अलग से साइड से ये ब्लाउज सिली हुई थी, यही सोचकर मैं सिली हुई थी, तो इसी तरह मैं पहनती हूँ, किसी भी साड़ी पे मैं मैच करके इसे पहन लेती हूँ। और उसके बाद नेक्स्ट मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, तो ये भी सिंपल सा ब्लाउज है, तो ये भी कटोरी ब्लाउज है, तो इसका फ्रंट साइड आप देख सकते हो और इसका बैक साइड मैं दिखा रही हूँ, तो ये कुछ इस तरह का गला है इसका, तो इसका नेक आप देख सकते हो कुछ इस तरह का डिजाइन है नेक का, और नीचे से मैं ऐसा दिखा रही हूँ, तो ये मटका के जैसा आता है पहनने के बाद। और इसका स्लीव आप देख सकते हो यहाँ पे कट लगा हुआ है, ये थोड़ा सा बड़ा है, और ऐसा स्लीव मुझे बहुत ज्यादा पसंद था उस टाइम में, तो मैं इसे सिली हुई थी। और ये भी सिंपल सा ब्लाउज है, ये भी एक बार ही मैं पहनी हुई थी दिवाली के टाइम में, बस उसके बाद दोबारा मैं नहीं पहनी हुई हूँ ये साड़ी। उसके बाद नेक्स्ट मैं आप लोग को दिखा रही हूँ, तो ये भी ब्लाउज मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है, तो ये देख रहे हो ये भी पैडेड ब्लाउज है, लेकिन ये प्रिंस कट ब्लाउज नहीं है, सिंपल सा है। और इसका स्लीव आप देख सकते हो ये थोड़ा सा बड़ा है, और इसमें भी मैं रेडीमेड पाइपिंग लगाई हुई हूँ, और ये फ्रंट साइड से है, और सारे मेरे ब्लाउज का जो नेक है ना राउंड शेप में ही है, तो ये पीछे का है बैक साइड का, तो ये भी देख सकते हो सिंपल से मैं डोरी लगाई हुई हूँ, और ये भी मटका गला बोल सकते हो, जब पहनने के बाद ना मटके के जैसा ऐसा पीछे का शेप दिखता है। और इसमें भी मैं लगाई हुई हूँ पैडेड, तो ये भी पैडेड ब्लाउज है, और यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे कि यहाँ पे बॉर्डर लगा हुआ है, तो ये भी स्लीव का ही बॉर्डर है जिसे मैं पीछे लगाई हुई हूँ बैक साइड में, और बैक साइड का डिजाइन कुछ इस तरह है, आप देख सकते हो। पहनने के बाद बहुत ही अच्छा लगता है, इसका मटका जैसा गला दिखता है, और फ्रंट साइड से आप देख सकते हो फ्रंट साइड का नेक जो है वो राउंड शेप में है, तो ये भी सिंपल सा ब्लाउज है। मेरे पास जितने भी ब्लाउज है सारे सिंपल है, और मुझे राउंड शेप वाला नेक ही ज्यादा अच्छा लगता है। तो गाइज नेक्स्ट एंड लास्ट ब्लाउज मैं आप लोग को दिखाने जा रही हूँ, और ये ब्लाउज और साड़ी में मैं पहन चुकी हूँ, और मैं एक ब्लॉग में भी पहनी हुई थी, तो वो ब्लॉग का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप लोग देख लेना कि पहनने के बाद कैसा दिखता है। तो देखिए ये बहुत ज्यादा पसंद है मुझे ब्लाउज, पहनने के बाद इतना प्यारा लुक आता है ना कि मैं आप लोग को बता नहीं सकती हूँ। तो
ये भी प्रिंस कट ब्लाउज है, तो देख सकते हो यहाँ पे कट लगा हुआ है और इसका फैब्रिक भी बहुत अच्छा है ये ब्लाउज का। तो गाइज इसका स्लीव आप देख सकते हो, इसमें भी कट लगा हुआ है और ये थोड़ा सा मैं बड़ा सिली हुई हूँ, यहाँ तक आता है ये और बहुत ही अच्छा इसका लुक लगता है पहनने के बाद। और उस टाइम में मैं मतलब नया चला हुआ था एक कट वाला ब्लाउज, तो मैं सिली हुई थी और इस ब्लाउज को सिले हुए मुझे ज्यादा टाइम नहीं हो रहा है, 2 साल हुआ। तो इसका फ्रंट साइड से कुछ इस तरह से दिखता है ये ब्लाउज, फ्रंट साइड से कुछ इस तरह से दिखता है और बैक साइड से मैं दिखाती हूँ। ये बोट नेक बोलते हैं, इसे बोट नेक बोलते हैं। तो ये आगे और पीछे का आप नेक देख सकते हो, राउंड शेप में ही है लेकिन ये बोट नेक बोलते हैं इसे। और पीछे आप देख सकते हो इसका डिजाइन कुछ इस तरह है। तो पहनने के बाद बहुत ही अच्छा आता है। और नीचे जो आप देख सकते हो ना, ये यहाँ पे हुक लगा हुआ है, तो मैं यहाँ पे 2 हुक लगाई हुई हूँ। और यहाँ देखो आप इसका डिजाइन, कुछ इस तरह से दिखता है गाइज। और ये बहुत ही अच्छा लगता है ब्लाउज, और ये भी प्रिंस कट ही ब्लाउज है जो कि बहुत ही प्यारा है, बहुत ही अच्छा है। तो गाइज आप लोग कमेंट करके जरूर बताना आप लोगों को कैसा लगा मेरा ब्लाउज कलेक्शन। बहुत सिंपल सा ब्लाउज है और खुद से सिला हुआ ब्लाउज है, खुद से मैं सारे ब्लाउज सिली हुई हूँ और जिस तरीके से मुझे पहनना पसंद है उसी तरीके का मैं ब्लाउज सिलती हूँ। मुझे ज्यादा हेवी ब्लाउज भी पहनना अच्छा नहीं लगता है और ज्यादा मतलब डिजाइनर ब्लाउज भी पहनना अच्छा नहीं लगता है, सिंपल ब्लाउज पहनना अच्छा लगता है। तो जिस तरीके का मुझे पहनना पसंद है उस तरीके का मैं तो खुद सिलती हूँ, तो मुझे टेंशन ही नहीं है, मुझे जिस तरह सिलना रहेगा उस तरह मैं सिलूंगी। और मैं किसी और का भी सिला हुआ पहन नहीं हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता है, पता नहीं कोई ना कोई प्रॉब्लम दिखता ही है मुझे। और ये जो मैं सूट पहनी हुई हूँ ये मतलब खुद का सिला हुआ है। तो आप लोग जितने भी मेरे कपड़े देखते हो ना पहने हुए, सारे मेरे खुद का सिला हुआ कपड़ा रहता है, और चाहे वो ब्लाउज हो या सूट हो। तो मेरे पास जितने भी सूट पीस है तो सारे मैं खुद से सिल के पहनती हूँ। तो जैसे कि आप लोगों ने मेरे घर में मशीन भी देखा होगा, तो मैं खुद से ही सिलती हूँ, तो मुझे जिस तरीके से पसंद है उस तरीके का मैं सिलती हूँ और पहनती हूँ। तो आप लोग बताना आप लोग को कैसा लगा मेरा ब्लाउज डिजाइन। तो ज्यादा मतलब डिजाइनर ब्लाउज तो है नहीं, बहुत सिंपल सा ब्लाउज है, बाकी आप लोग रिक्वेस्ट किए थे इसलिए मैं आप लोग के साथ शेयर की हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरा ब्लाउज कलेक्शन वीडियो जरूर पसंद आया होगा। पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, पास में जो बेल आइकन बटन होता है उसे भी क्लिक कीजिएगा ताकि मैं जब भी कोई वीडियो डालूं उसकी नोटिफिकेशन मिलते रहे और वीडियो सबसे पहले आप देख पाए। तो चलिए गाइज मैं मिलती हूँ आपसे एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।